पेज खोल के टैप रूम बेल्ट कैसे चढ़ाते और कैसे हटाते हैं। तो अभी एक सबसे पहले टैपलॉन बेल्ट को निकालने के लिए नहीं, पहले इसको स्लो करेंगे, स्लो करने के बाद इसको खींच के इस वाली बेल्ट को निकालेंगे। निकालने के बाद इसको ऊपर कर लेंगे जिससे क्या गैप बन जाए इनके अंदर, ठीक, इनके अंदर गैप आ जाएगा तो पेज कर सकेंगे, थोड़ा सा पुश करेंगे बाहर निकल आएंगे। ये आगे वो करना है, ठीक है, सेम इस तरीके से ही चढ़ेगी, ऊपर की नीचे की दोनों सेम कंडीशन में चढ़ेंगे, इसकी भी सेम इस तरीके से पुश करके निकलेगा, ठीक है ना, नीचे वाले से पुश करोगे जैसे ये है ब्लॉक, ऐसे नीचे वाला ये। और इसको चढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बंद कर देंगे, स्लो कर देंगे, पहले पीछे चढ़ाएंगे, फिर इसको थोड़ा सा दबा के इस वाले को हल्की सी स्पीड देंगे जिससे क्या होगा ये अपने आप अंदर चला जाएगा, ठीक है, ये पूरा अंदर चला जाएगा आगे यहाँ तक। और इसको थोड़ा सा और पुश करके पीछे करिए, अभी ये आया नहीं, चलनी तेज अपने सेंटर में आना, ठीक है, इसको फिर महीने में ही रख देंगे और इसको यूं ही चढ़ा देंगे। नीचे वाली क्यों, नीचे वाली हाँ भैया। एक चीज और बताओ इसमें, आप जैसे एक साइड से ना कभी कभी क्या होता है बेल्ट एक साइड से बाहर को आने लगती है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए इसमें? अगर तुम्हारी बाहर आ रही हो, एक साइड से बाहर आ जाती है, मतलब अगर बाहर आ रही हो तो इसको टाइट करना पड़ेगा, नीचे वाले को टाइट करना पड़ेगा, हाँ, जो इस बॉडी के अंदर कसा हुआ होगा, और इसको लूज करना पड़ेगा ऊपर वाले को, जैसे मैं इसको टाइट करूंगा तो ये अंदर की तरफ जाएगी। अच्छा, और ऊपर वाले को हम लूज करेंगे, लूज करेंगे तब भी अंदर की तरफ ही जाएगी। अच्छा, टाइट अगर इसको बाहर निकालनी है तो फिर इसको नहीं, बाहर आ रही है, बाहर आ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर आ रही है ना तो अंदर करने के लिए इसको आपको खोलना पड़ेगा, मतलब ढीले करना पड़ेगा, हाँ, चला गया अंदर, अब अंदर जा रही है तब बाहर निकालना है, तो इसको टाइट करेंगे, वो इसको ऊपर वाले को टाइट करेंगे, नीचे वाले को लूज करेंगे, अगर बाहर आएगी के लिए नीचे को टाइट करना, दोबारा से बाहर के लिए दोबारा से इसमें ये बताओ, अगर बाहर आ रही है तो सबसे पहले मुझे नीचे वाले को क्या करना, नीचे वाले को टाइट, नीचे वाले को टाइट करना पड़ेगा, इसको लूज करना पड़ेगा, अंदर जा रही है तो ऊपर वाले को टाइट करना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा सबसे बड़ी एक कॉमन समस्या रहती है ब्रांसिलर मशीनों में, जो लोगों को पता नहीं होता जो फर्स्ट टाइम यूज करते हैं मशीनों को, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज है। और कुछ नहीं होता इसमें, बाकी मैंने कन्वेयर का आपको बता दिया, दोनों लेफ्ट और राइट में ना ये ढीले करने लूज करने, ये इसमें लूज कर देंगे ना तो आगे पीछे हो जाएगी ये कन्वेयर, और ये कन्वेयर यहाँ पे ज्वाइंट होती है, ये देखो यहाँ पे बाहर निकल के, यहाँ पे ज्वाइंट होती है कन्वेयर, ये देखो, और इसको हमें कभी हमारा पाउच छोटा होता है तो उसको पास करके इसको ऊपर भी कर सकते हैं इसके लेवल पर, लेकिन पीछे से नहीं उठा सकते क्योंकि इसकी कन्वेयर साफ से अटक है, पाउच छोटा है मतलब बहुत ज्यादा छोटा होता है ना, जैसे 10 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम सपोर्ट के लिए होता है स्टार्टिंग में, तो दोबारा उसी कन्वेयर से दोनों लेफ्ट हैंड साइड से लूज करके फिर आगे भी सरकार ढीला कर लो टाइट कर, थोड़ा सा पीछे को ही कर देना इसको बस, नॉर्मली इनके पाउच के हिसाब से बस, ये MS-FRB 770 कंटिन्यूस बैंड सिलर मशीन है, मेड इन हुलिया, हॉरिजेंटल में, अगर वर्टिकल में स्टैंड लगता है साथ में, वर्टिकल में खड़ी हो जाती है मशीन,